वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स के रूप के फलनों का समाकल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। आइए देखते हैं, फलन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स के रूप के फलों का समाकल। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और साइन एक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये रूप मिल गया, इसमें कॉस एक्स की वैल्यू जो है बी का की वैल्यू 0 है, इसलिए कॉस का टर्म ले लिया गया। ये रूप है, आपको मेथड बताया गया था, ऐसा रूप अगर कहीं मिलता है उसका समाकल करना होता है तो आप अंश इक्वल टू मानते हैं ए इंटू हर प्लस बी इंटू हर का होगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा समाना साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बी, या ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म को एक साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए साइन एक्स यहाँ से मिलेगा और यहाँ से माइनस बी साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस बी इंटू साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी कॉस एक्स। दोनों पक्षों से साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बाएं पक्ष में साइन एक्स का गुणांक 1 है, कॉस एक्स का टर्म नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स का गुणांक जो है वो शून्य होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 0, 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको बताया गया कि यहाँ कॉस का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कॉस एक्स का जो गुणांक है वो 0 होगा। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए, आए इसको सॉल्व करेंगे, ए इक्वल टू माइनस बी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 2 से आप क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ए इक्वल टू माइनस बी है, समीकरण 1 में रखा गया माइनस बी प्लस 1, माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस टू बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो गया। अब ए और बी के मान को आप यहाँ पहले रख देते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर यही मान आप इसमें रखेंगे, इसी का इंटीग्रेशन करना, इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ आप मान रख देंगे 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, हर में ये पहले से है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग इसको लिखेंगे पहले टर्म को, फिर साथ जब ये अपॉन लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 कंटेंट है तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरे भी टर्म में आप देखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 कंटेंट हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होता है माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप टी मानेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे जब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ इतने की वैल्यू आपको डी टी मिल गई तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, और फिर टी की वैल्यू को आप प्रतिस्थापित कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स। इसी प्रकार आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया करके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, या माइनस चिन्ह की ओर हटा देना है, माइनस हो गया, या भी माइनस हो जाएगा और इसको शार्प करेंगे या नेगेटिव साइन आ गया, फिर वही चीज़ आप मानते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हुआ और यहाँ भी माइनस हो गया। अब इसके बाद इसको जब अवकलन करेंगे, ये टर्म माइनस हो गया, यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे ए साइन एक्स और प्लस बी साइन एक्स, ए और बी पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस ए कॉस एक्स होगा और प्लस बी कॉस एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा, या आप माइनस लिख सकते हैं। दोनों पक्षों से साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ साइन एक्स ए प्लस बी इक्वल टू आपको वन मिल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू वन, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ही मिलेगा क्योंकि कॉस एक्स का गुणांक जीरो है, कॉस एक्स का टर्म यह है नहीं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू आप बी लिख सकते हैं या बी इक्वल टू ए। अब समीकरण एक और दो से सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू बी रख देंगे, ए रखना है, ए इक्वल टू बी रखेंगे तो ये बी हो जाएगा, बी प्लस बी इक्वल टू वन, टू बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन अपॉइंट टू, बी इक्वल टू वन अपॉइंट टू होगा तो ए की भी वैल्यू वन अपॉइंट टू ही होगी। इसका मतलब यहाँ से आप सॉल्व इसको करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइन अपान वन माइनस कॉट एक्स बिटवीन रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर ये माइनस लिखा गया था तो वन अपान टू ए की भी वैल्यू आई, यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर देंगे, साइन एक्स इक्वल टू वन अपान टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपान टू, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये डिनोमिनेटर आप चेंज कर देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर वही प्रक्रिया आप करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको लिखेंगे cos x + sin x अपॉन sin x - cos x, यहां पॉजिटिव चिन्ह हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x x हो गया, और इसमें ये sin x - cos x को t मानेंगे तो इसका अवकल गुणांक मिलेगा cos x + sin x dx = dt, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये इंटीग्रेशन आप इसका लिख सकते हैं, देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2 लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। थैंक यू।